चाहूँगी कि आप में से जितने लोग आ सकें और यहाँ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकें। मैं भंडारा से आया हूँ। मेरा बेटा नाउ ही इज लर्निंग इन 11th क्लास, इज 17 ईयर्स ओल्ड। जब वह 5वीं कक्षा में था, उसकी एडमिशन के लिए मैं गया। एडमिशन उसके होने के बाद, उसका एडमिशन मैंने जब 5th क्लास में किया हूँ, तब मुझे ऐसा दिखा कि कुछ प्रॉब्लम है मेरे बेटे में। चलने में एक साइड वह चलने लगा था, कुछ एक दो बार खाना खाते वक्त उसे मुंह से लार टपकने लगी थी। तब मुझे डाउट आया, तो मैं भंडारा रहता हूँ, भंडारा के जितने भी पेडियाट्रिक्स है, सभी डॉक्टरों को मैंने चेकअप के लिए बताया, तो सभी डॉक्टरों ने गिर गया होगा, कुछ इस प्रकार से घूमता है, और उसका चेहरा जो था वो भी थोड़ा सा काला हो गया था। तो डॉक्टर सलाह दे रहे थे कि धूप में घूमता है तो काला चेहरा हो गया होगा, गिर गया होगा, इस प्रकार से बताया कि एक दो बार उसके मुंह से खाने के वक्त लार टपक रही थी। यह 9th, जब वो 5th की बात है, डायग्नोसिस नहीं हुआ तो बढ़ते बढ़ते चला गया। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो अंत में बड़े सीनियर डॉक्टर्स थे हमारे भंडारा में, एक व्यवहार डॉक्टर करके, मैं ऐसे ही उनको पूछने गया, सर मैं क्या करूं, कोई डॉक्टर बता नहीं रहे है इस प्रकार से मेरा बेटा है। तो उन्होंने डॉक्टर देवपुजारी, सतीश देवपुजारी नागपुर, तो उनका नाम बताया। मैं उनके पास गया, डायग्नोसिस हुआ, और उन्होंने तब से पेनिसिलामिन, बेनाडॉन और अजिंकोनिया शुरू किया। लेकिन अभी वो 11th में है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है, मैं इतना परेशान फैमिली में, उसकी माँ भी परेशान, बहुत ही कुछ सुधार नहीं हो रहा है उसमें, राइटिंग प्रॉब्लम है, वह बराबर बैठ नहीं सकता सभी तरह, इस प्रकार से। मैंने आपकी तरफ लाया था मैडम 17/11/14 को, तो जो आपने चेकअप के लिए जो लिख के दिए थे, तो वह नहीं बोले मेरे को भी जाना है, पापा चलो, तो मैं कुछ चेकअप नहीं कर सका और वैसे ही वापस में भंडारा चला गया। हाँ, तो जैसे डॉक्टर वाडिया ने बताया कि कई बार ये बिहेवियरल चेंजेस होते हैं, तो हो सकता है कि उसे ये है और उसे फिर कुछ साइकेट्रिक मेडिसिन की भी जरूरत पड़ेगी और उससे फायदा होगा। तो आप जो डिस्क्राइब कर रहे हैं ना, ये बिहेवियर चेंजेस हम कई बार देखते हैं बच्चों में, कोऑपरेट नहीं करते हैं अपनी मनमर्जी, नहीं नहीं उल्टा सीधी बातें कर देता है। हाँ, कुछ भी फेंक देता है। हाँ, तो उसे फिर एक साइकेट्रिस्ट को दिखाना जरूरी पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरा सवाल है कि मार्केट में डी पेनिसिलामाइन मिलता है और एक पेनिसिलामाइन मिलता है, जो डी पेनिसिलामाइन है वो चंद्रा भगत कंपनी का है, और खाली पेनिसिलामाइन है ये वीबीएच कंपनी का, तो कौन सा गोली लेना चाहिए? आई थिंक हमारे पास वीएच भगत के कोई है यहाँ। माय नेम इज श्रीनाथ, आई एम फ्रॉम वीएचबी लाइफ साइंसेस। वी हैव अ प्रोडक्ट अरेटामिन, आपने जो बोला अभी, उसमें भी डी पेनिसिलामाइन ही है अपना। हां, वो स्ट्रिप ऑफ 10 आता है। लेकिन मार्केट में दो है, तो कौन सा लेना चाहिए? डी पेनिसिलामाइन, डी पेनिसिलामाइन, डी पेनिसिलामाइन। वो बोल रहे हैं कि वीएच भगत का भी डी पेनिसिलामिन ही है। ऑल कंपनीज हैव डी पेनिसिलामिन ओनली, इट्स अवेलेबल, देयर आर 2-3 कंपनीज, बट ड्रग सेम ही है। सेम है, पहले रहेगा, लेकिन अभी डी पेनिसिलामिन नहीं आता, क्योंकि मेरे बहन को साइकोलॉजिकल चालू है ट्रीटमेंट, और कजिन सिस्टर, कजिन ब्रदर है, उसको भी साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट चालू है। तो उन लोग को कैसे बोलूं कि आप ये टेस्ट करवाओ, या फिर कंसीडर कैसे करूं? नहीं, पर आई थिंक उनको बताना चाहिए कि अगर आप सेम ही फैमिली के हैं, तो ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम विल्सन की वजह से है या अलग बीमारी है, वो तो पहले जांच करना ही चाहिए। तो बेसिक सेरिलोप्लाज्मिन और 24 आवर कॉपर टेस्ट इज मैंडेटरी, क्योंकि अगर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम विल्सन की वजह से है, तो अभी शायद माइनर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, लेकिन बाद में मेजर प्रॉब्लम बन जाएगा। तो शुरुआत में आप पकड़ लेंगे विल्सन को, तो उसका ट्रीटमेंट करना आसान है। जितना ज्यादा कॉपर की मात्रा है शरीर में, उतना ज्यादा मुश्किल है ट्रीटमेंट करने के लिए, तो जल्दी पकड़वाइए। हेलो डॉक्टर्स, माय नेम इज ज्योति कृष्णन, एंड माय सन हैज बीन अफेक्टेड फॉर द लास्ट 1.5 इयर्स। ही इज 32 इयर्स ओल्ड एंड हिज नेम इज आनंद कृष्ण। सो व्हेन वी केम टू नो अबाउट विल्सन्स, इट वाज अ रियल major setback for all of us, both financially and emotionally. So, and it took a lot of courage for us to come forward and realize that this is what is happening to him. Because till the age of 31, he was quite active in his job as well as in his physical activities, everything. And now suddenly he is bedridden, and which is really
breaking my heart. I just want to know, doctor, he's having neurological problems. Okay, so he is on 8 penicillamine tablets per day. And I would like to know whether till now his liver is completely okay. I would like to know, is there any chance that his liver will also be affected in the... Typically the liver is affected, but it's often silent in neuro patients. Like okay. If you were to do a sonography, or you would do to do liver function test, they may be mildly abnormal. Okay. But if he is on penicillamine, it's very unlikely that his liver progression will happen and he will manifest any liver symptoms. Okay. But now that, you know, I just want to know, each patient is different in this, because the treatment progress in each patient is different. I would like to... Absolutely different. Har ek patient alag rehta hai. Har ek patient ka response treatment ka alag rehta hai. So... the treatment is tailor-made to each patient. Okay. Mm-hmm. And but on an average, what we are trying to generalize is that the first couple of years are difficult and stormy, but things definitely start to look up over a period of time. Okay. Are you seeing that? It's 1.5 years now. Yes, yes. We are seeing a lot of behavioral changes. So, but from being bedridden, is he getting better? Yeah, but you know, honestly, it's a very slow process. But it is very slow. Yeah. So you have to have a lot of patience. Yes, that's what all the doctors are advising us. Because, you know, when it started, we thought, you know, actually within a year, he'll be quietly, completely all right. But now we know that for reality, I mean, it was a great reality check for us. And now we know that it may take some more years. But we are not sure, I mean, how long it will take. And we are really clueless about that. Because he was it's not predictable. You cannot predict who's going to do how well in life. Mm-hmm. Yeah. But I think the fact is that you should be encouraged by the number of people in this room. I know. And so many of them who are now back to a better life. Correct, more exactly. Independent. Yeah, first of all, I would like to say that this is a great thing you have done, because you know it's quite motivating for all of us. And because when we realize it's Wilson's, you know, it was something which we had never heard of. We didn't know that. And most importantly, it is a genetic disorder. So both the parents are carriers. Whatever doctors told us was that if the parents were related before marriage, it could be like that. So why, when we were not even remotely related, distant related, how could it that happen? It's chance. Mm-hmm. Okay. Yeah. And I would like to ask the physiotherapy doctors also. My son he has a great problem doing it. You know, he's quite reluctant. He says, you know, I don't want to do it and all, but we insist that he should do it. And because of his this problem of accepting any new physiotherapist, we have changed quite a lot of them. So how do we deal with it? It's like, as sir also said, it's the behavioral problem they have. So it's going to be like that. But yeah. We have to encourage them for the exercises, because this is a very important thing which we need to do. I know. Maintain his all range of motion, muscle length and strength. Yeah, but mostly, sadly, you know, the physiotherapist doesn't realize it, and they take it, you know, whenever he shouts or something, you know, they take it very personally, and, you know, most of them, it's required a lot of patience from a physiotherapist side also, because it's really difficult to understand their psychological status also. Yeah. Because they have a behavioral issues, we have to keep a patience while treating the patient also, because they, because of sudden harsh noise or something like that, their dystonia can increase. So we have to, the therapist also have to be calm while doing the therapy. Sorry, you also just help physiotherapist also make her understand. Okay. If she is not understanding, at the same time you also encourage him. Encourage, give the lot of encouragement. Yeah. And try to make him relax. Okay. That is also more important. I mean, physiotherapy is something which is permanent for him, or after some time he can leave it, or what is it? It's you have seen the search shown the videos also, in that you have seen the patient have the drastic improvements. In that we need to, like, for maintenance
we need to keep the therapy, which you can also make him do the exercise afterwards. It's not only the physiotherapist on who will come and do the exercise. You also can make him do the maintenance. If he's walking, talking, doing his all his activity for the maintenance purpose, you need to do. Okay. Thank you. हमारे साथ यहाँ नाजिया हैं, जैसे मैंने कहा, जो कुछ बोलना चाहेंगी. पहले तो मैं पूरे इंडिया का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जिसने मेरी बेटी और मुझे बहुत प्यार दिया है. दूसरा डॉक्टर्स तो मैंने भी बहुत से देखे हैं, मगर मैं माभा निगराल जैसा नहीं है. एक जैसे हमारे दिल में, पाकिस्तान से मैं आई हूँ कराची से, ऐसा महसूस होता है जब उम्मीद की कोई भी मैंने किरण नहीं देखी तो सिर्फ मैम आभा निगराल में ही है. इसी विश्वास के साथ हम यहीं आते हैं कि मैम मेरी बच्ची को यहीं से ही ठीक हो के मैं इसको वापस ले जाऊंगी. इस दफ़ा भी मैं यहाँ से वापस जाई, बहुत से डॉक्टरों से बात हुई, किसी ने मेरी बच्ची को सही मुझे बताया ही नहीं. कोई कह रहा था कभी ज़िंदगी में नहीं चल पाएगी, कोई कह रहा था नहीं खा पाएगी. मेरी आखिरी एक ही उम्मीद मुझे मैम में नज़र आती है कि मेरी बच्ची यहीं से ही सही हो जाएगी. विल्सन वैसे ज़िंदगी में असरात तो बहुत बुरे से गुजारती है, मगर उसमें हिम्मत से काम लेना पड़ता है. इसी हिम्मत से मैं और सबा यहाँ आए हैं कि यहाँ से सही होकर ही जाएं.